Xiaomi का जो Redmi Note 4 है वो एक टॉप सेलिंग स्मार्टफोन था एंड आज मैं उसके MIUI 10 के अपडेट के बारे में Android Oreo पोर्ट्रेट मोड एंड फुल स्क्रीन जेस्चर्स के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करूंगा। अगर आपके पास है Redmi Note 4 तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। टॉपिक की बात करूं तो Xiaomi का Redmi Note 4 Android 6.0 मार्च में लॉन्च हुआ था एंड उसे 5-6 महीने के बाद Android Knockout का अपडेट देखने को मिला। अगर मैं इधर क्लियरली बात करूं तो Redmi सीरीज जो होती है Xiaomi की वो सिर्फ एक मेजर अपडेट प्रोवाइड करती है। बात करूं तो अगर आप कोई भी Xiaomi का फोन परचेस करते हैं तो आपको सिर्फ एक मेजर अपडेट देखने को मिलेगा एंड 2-3 MIUI के अपडेट देखने को मिलेंगे। Xiaomi के Redmi Note 4 के साथ कुछ ऐसा ही है। अगर मैं बात करूं तो ये फोन मार्च में लॉन्च हुआ, इसको Knockout का अपडेट मिल चुका है एंड अभी इसे MIUI 10 का अपडेट देखने को मिलेगा। अब कुछ यूजर्स को लगता है कि इसको Oreo का अपडेट MIUI 10 के साथ देखने को मिलेगा, पर ये आपकी गलत फहमी है। Xiaomi का जो Redmi Note 4 है उसे MIUI 10 के साथ Android Oreo का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसे Knockout का अपडेट एक मेजर OS अपग्रेड मिल चुका है। अगर मैं इधर लिस्ट की भी बात करूं जो Reddit साइट पर Xiaomi ने पोस्ट की थी, जैसे कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं Redmi Note 4 को MIUI 10 बेस्ड ऑन Android Knockout देखने को मिलेगा। सो MIUI 10 का अपडेट इसको डेफिनेटली मिलेगा। मैं बात करूं तो Xiaomi का जो Redmi Note 4 है वो फिलहाल अभी MIUI वर्जन 9.5.11.0 पर रन कर रहा है एंड मैक के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे रन कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है Inventotech Instagram पेज से, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो हाल ही में इधर चाइना बीटा रोम Redmi Note 4 के लिए लीक हुई है। कुछ यूजर्स ने उस रोम को फ्लैश किया है एंड उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिलता है एंड आपको फुल स्क्रीन जेस्चर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। पर मैं इधर कहना चाहता हूँ कि जो Xiaomi का Redmi Note 4 है जब उसको इधर ग्लोबल MIUI 10 अपडेट देखने को मिलेगा इंडिया में, तो वो एक्सपेक्टेड है कि उसको जब अपडेट मिलेगा तो उसके साथ पोर्ट्रेट मोड एंड फुल स्क्रीन जेस्चर्स आएंगे। कंफर्म है कि उसे पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा Redmi Note 4 को, तो 2-3 MIUI 10 के स्टेबल अपडेट के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड और फुल स्क्रीन जेस्चर्स। कुछ मुझे आपको न्यूज पहुंचानी थी Redmi Note 4 के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है इस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।